हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू ओवरकम ब्रेकअप इन रिलेशनशिप। अगर आप अपनी लाइफ में इस स्टेज से गुजर रहे हैं कि आप किसी अपने क्लोज रिलेशनशिप से ब्रेकअप के स्टेज से गुजर रहे हैं, तो ये हम लोग की लाइफ का एक वन ऑफ द बिगेस्ट पेन होता है। इस सिचुएशन को हील करना, इस स्टेज को ओवरकम करना बहुत मुश्किल होता है, और ये हमें से ज़्यादातर लोग की लाइफ में कभी ना कभी ये स्टेज आता है। और लाइफ में जो भी इस पेन से गुजरा है वही समझ सकता है कि ये कितना पेनफुल स्टेज होता है। जो इस पेन से नहीं गुजरा है वो उसको रिलेट नहीं कर पाता है, वो नहीं समझ पाता है, उसको लगता है कि नहीं स्टुपिडिटी है। लेकिन जो इससे गुजरा है उसको पता है कि ये कितना पेनफुल होता है। तो अगर आप इस फेज से गुजर रहे हैं या आपका कोई भी क्लोज फ्रेंड इस फेज से गुजर रहा है, तो ये वीडियो एक्सक्लूसिवली आपके लिए है। मैं विवेक राठौर, ऑथर एंड न्यूरोसाइकोलॉजी एक्सपर्ट, आज मैं आपको 6 प्रो टिप्स शेयर करूंगा जिसको फॉलो करके आप इस स्टेज को, अपने ब्रेकअप को आसानी से ओवरकम कर सकते हैं। अपने रिलेशनशिप के ब्रेकअप को आप हील कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं, इस स्टेज को आप पार कर सकते हैं। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 1, ट्राई टू एक्सेप्ट इट। जो भी सिचुएशन है, अगर रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो गया है, तो आपको सबसे पहले एक्सेप्ट करना है। क्योंकि कई बार हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, हम लोग इसको डिनाई करते हैं, हम लोग क्रेव करते हैं, हम लोग डिनाइल मोड में काफ़ी टाइम तक रहते हैं, जिसकी वजह से हम लोग की परेशानी और बढ़ जाती है। तो सबसे पहले हमें हमारे रिलेशनशिप का जो प्रेजेंट स्टेटस है उसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ ठीक है, दिस इज़ द रियलिटी और यही मुझे हैंडल करना है। ये माइंडसेट हमें हेल्प करता है सिचुएशन को टैकल करने में। स्टेप नंबर 2, इसमें क्या करना है कि देखिए, ये जो स्टेज होता है इसमें हमारे अंदर बहुत एंगर आता है, बहुत नेगेटिव इमोशन आता है, बहुत गुस्सा आता है, बहुत रिग्रेट आता है, बहुत सी मिक्स नेगेटिव फीलिंग आती है। तो हमें करना क्या है कि वो जितने भी नेगेटिव इमोशन हैं उसको हमें रिलीज़ करना है, उसको हमें चैनलाइज़ करना है। कैसे रिलीज़ करना है, उसके बहुत से तरीके हैं। जैसे अगर आप अगर बात कर रहे हैं अपने पार्टनर से, तो आप वहाँ पे एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपने किसी फ्रेंड से शेयर कर सकते हैं, आप लिख सकते हैं अपने इमोशन को, पेपर पे लिख के उस पेपर को फाड़ सकते हैं। ये बहुत से तरीके हो सकते हैं। कई बार आप एकांत जगह पे जाके थोड़ा शाउट कर सकते हैं। ये सब तरीके हैं जिससे आपके भीतर का जो भी नेगेटिव इमोशन है वो रिलीज़ होता है, और ये जो नेगेटिव इमोशन का रिलीज़ करना इस सिचुएशन में आपको काफ़ी हेल्प करता है। इस स्टेज में कई बार हमारे माइंड में बार बार जो हमारा पार्टनर रहा है उसकी बातें हमें ध्यान आती है, तो हमें हमेशा अपने माइंड को डायरेक्ट करना है कि हमारे पार्टनर की, जो हमारे जो एक्स की जो फ्लॉज रही हैं, जो कमियां रही हैं, केवल उस पर ध्यान ले जाना है। बार बार जैसे ही हमारे माइंड में याद आए अपने एक्स की, तो हमें बार बार अपने माइंड को वहीं ले जाना है कि हाँ उसमें ये भी कमियां थी, उसमें ये भी कमियां थी, उसमें ये भी कमियां थी। तो वहाँ से हमें डाइवर्ट करना हमारे लिए, हमारे ब्रेन के लिए इजी होता है, क्योंकि हमारा ब्रेन कभी भी पेन वाले पाथ पे नहीं जाता है। तो हमें हमेशा कमियां दिखानी है कि हाँ उसमें ये भी कमी थी, उसमें ये भी कमी थी। और हर एक पर्सन में कमी अच्छाई दोनों होती है, लेकिन अगर आप ब्रेकअप से ओवरकम करना चाहते हैं तो आपको केवल बार बार ये देखना है कि हाँ ये कमी थी, ये कमी थी, ये कमी थी, तो आपके लिए ये ईजी हो जाता है। अब हम बात करेंगे स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में हमें क्या करना है कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे माइंड में ना एक नेगेटिव थिंकिंग से हम लोग क्लिंग कर जाते हैं कि हमारे साथ बुरा हुआ, हमारे साथ धोखा हुआ, हमारे साथ ऐसा हुआ। तो वो जो भी जो नेगेटिव आस्पेक्ट है, जो नेगेटिव थिंकिंग है, उससे हम लोग बहुत ऑब्सेस्ड हो जाते हैं। ये चीज़ हमें अवॉइड करना है, हमें इस चीज़ को समझना है कि डोंट ऑब्सेस्ड विथ व्हाट वेंट रॉन्ग। ठीक है, रिलेशनशिप था, रिलेशनशिप रहा है, ब्रेकअप हुआ है, ये पेनफुल स्टेज है, ये बहुत पेनफुल स्टेज है, इसको हमें समझना है, लेकिन इसको और पेनफुल नहीं बनाना है। तो क्या गलत हुआ, बार बार उस थिंकिंग को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आउट नहीं करना है। रादर जब भी एक्स को, हमेशा हमें उसकी फ्लॉज के थ्रू देखना है कि हाँ ये कमियाँ थी, ये आपको हेल्प करेगा। एंड नेक्स्ट स्टेप जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी हमारा जो इमोशन है, अब हमारी जो एनर्जी है, उसे हमें चैनलाइज करना है। क्योंकि हमारी हैबिट बन जाती है, हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं कि हम लोग अपना अटेंशन, अपनी एनर्जी, अपना इमोशन अपने पार्टनर की तरफ चैनलाइज करने के लिए हैबिचुअल हो जाते हैं। हमारे ब्रेन का जो पैटर्न है वो नॉर्मली उसी तरीके से परफॉर्म करने की या उसी हैबिट को रिपीट करने की कोशिश करता है। तो हमें करना क्या है, अपने इमोशन को, अपने एनर्जी को चैनलाइज करना है अपने फ्रेंड्स की तरफ, अपने फैमिली की तरफ। तो हमें उनके साथ टाइम स्पेंड करना है। इससे क्या होगा कि हमारी जो एनर्जी है, इमोशन है, वो चैनलाइज हो जाएगी। तो वो चैनलाइज होगी तो फिर हमें वो जो एक्स की जो याद है ये हमें थोड़ा सा कम आता है। तो हमें सिचुएशन से मूव ऑन करना हमारे लिए इजी होता है।
सो इस बात का हमें ध्यान रखना है। अगर आप इन 5 बातों का ध्यान देंगे तो आपके लिए इस सिचुएशन को टैकल करना बहुत आसान हो जाएगा। ये मोस्ट इफेक्टिव प्रोसेस है, टेक्निक्स है, एक फॉर्मूला है। फिर भी हो सकता है कि आपके मन में नेगेटिव थिंकिंग बहुत डोमिनेट करे, आपके नेगेटिव इमोशन आपके ऊपर डोमिनेट करें और आपके माइंड में एक्सट्रीम नेगेटिव थिंकिंग आए और आपको लगे कि कुछ ऐसी पॉसिबिलिटी कि कहीं आप कुछ गलत ना कर लें। उस केस में आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की ज़रूरत है, जो प्रोफेशनल काउंसलर होते हैं उनके हेल्प की ज़रूरत है। फिर आपको वो कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन को हम खुद नहीं संभाल पाते हैं, हमारे फ्रेंड्स नहीं संभाल पाते हैं, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं, जो जिनका एक्सपीरियंस है, वो आपको इस सिचुएशन को ओवरकम करने में पर्सनली हेल्प करते हैं। तो ये 6 स्टेप का आपको ध्यान रखना है। सो आपने वीडियो को यहाँ तक देखा उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जो भी आपको जैसा भी लगा आप कमेंट में अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हैं। आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की हेल्प कर सके, क्योंकि इस सिचुएशन को टैकल करना कई बार बहुत मुश्किल होता है और हम लोग ऐसे सिचुएशन में कई बार गलत स्टेप्स ले सकते हैं। अगर आप या आपका कोई क्लोज इस सिचुएशन से गुजर रहा है, उसमें आप अगर हमारी हेल्प चाहते हैं तो आप नीचे हम लोग के डिटेल्स होते हैं, आप वहाँ पर हम लोग से हमारे टीम मेंबर से कम्युनिकेट करके आप अगर इसमें हमारी हेल्प लेना चाहते हैं तो इसमें हम भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। बहुत बहुत थैंक यू।